नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे माइनिंग इंजीनियरिंग क्वेश्चन जो हर माइनिंग एग्ज़ाम में दोस्तों पूछता है, रिपीटेड होता है हर एग्ज़ाम में दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार आप ज़रूर इस क्वेश्चन को देखें और सॉल्व करने का कोशिश करें दोस्तों। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन और आंसर दोनों बता दिया है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए देखना और समझना। तो टिल देन दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों एक चीज़ और, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको माइनिंग की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और किसी भी तरह का कुछ नोटिफिकेशन आता है, माइनिंग रिलेटेड सर्कुलर आता है तो आप इस चैनल में दोस्तों बहुत जल्दी पाएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों एक चीज़ लास्ट आपको बताना था कि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अगर आपको उसका आंसर चेक करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। मैं इस क्वेश्चन का जितना भी आंसर है वहां पर मैं डाल दूंगा, तो आप वहां से एक बार चेक कर सकते हैं दोस्तों। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके हमारे चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम का। क्वेश्चन नंबर वन है दोस्तों, साउंड लेवल ऑफ ऑडियो विजुअल अलार्म शुड बी एटलीस्ट हायर द एम्बिटेड नॉइस लेवल। दोस्तों इस क्वेश्चन का मतलब है जो ऑडियो विजुअल अलार्म होता है वो एटलीस्ट कम से कम शोर करने का जो लेवल है वो कितना तक होना चाहिए। आपके ऑप्शन है ए 5-20%, ऑप्शन बी 10-15%, ऑप्शन सी 20-25%, ऑप्शन डी 5-10%। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को पढ़े होंगे। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 5-20% तक होना चाहिए ऑडियो विजुअल अलार्म का लेवल। क्वेश्चन नंबर टू है दोस्तों, रनवे रैंप कैन बी सीन एट। दोस्तों जो ओपन कास्ट में रनवे रैंप होता है हम लोग कहाँ से देखते हैं उसको? आपका ऑप्शन है ए बेंचेस, ऑप्शन बी हॉर रोड, ऑप्शन सी ओबी डंप, ऑप्शन डी वर्कशॉप। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हॉर रोड से हम लोग रनवे रैंप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों क्वेश्चन है विच ऑफ द फायर स्ट्रिंगर्स कैन बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल फायर्स। इलेक्ट्रिकल फायर्स को रोकने के लिए हम लोग किस टाइप का फायर स्ट्रिंगर्स यूज़ करते हैं? आपके ऑप्शन है ए ऑटोमेटिक, ऑप्शन बी वाटर टाइप, ऑप्शन सी फोम टाइप, ऑप्शन डी CO2 टाइप। दोस्तों इस क्वेश्चन में सब कन्फ्यूज़न खा जाता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से याद कर ले। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी CO2 टाइप। जो है दोस्तों फायर स्ट्रिंगर्स, उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल फायर्स को रोकने के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है दोस्तों, एज पर रेगुलेशन 177 ऑफ MMR 1961 एवरी फेंस इरेक्टेड ऑन द सरफेक्स सेल वंस एट लीस्ट इन एवरी वीक विल बी एग्जामिन बाय। आपका ऑप्शन है ए माइंस मैनेजर, ऑप्शन बी असिस्टेंट माइंस मैनेजर, ऑप्शन सी फॉरमैन, ऑप्शन डी कॉम्पिटेंट पर्सन। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी कॉम्पिटेंट पर्सन। दोस्तों इस क्वेश्चन का कहना है कि MMR 1961 का रेगुलेशन नंबर 177 में जो फेंस है वो एटलीस्ट वन अ वीक में एग्जामिन कौन करता है? तो इसका सिंपल आंसर है दोस्तों कॉम्पिटेंट पर्सन इसका एग्जामिन करता है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर। क्वेश्चन नंबर फाइव है दोस्तों, अडल्ट मींस अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड हिज ईयर। दोस्तों जो अडल्ट पर्सन होता है हम लोग कैसे बोलेंगे कि वो अडल्ट पर्सन है, उसका कितना उम्र होना चाहिए? आपका ऑप्शन है ए 20, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 19। सिंपल सा आंसर है दोस्तों, इसका 18 ईयर होना चाहिए अडल्ट पर्सन के लिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स है दोस्तों, दोस्तों ये क्वेश्चन जो है एक ओपन कास्ट रिलेटेड है। क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जॉस्ट रिटार्डर ब्रेकिंग सिस्टम इन अ ट्रक। दोस्तों जो एग्जॉस्ट रिटार्डर ब्रेकिंग सिस्टम होता है ट्रक का, वो क्या क्या काम करता है? आपका ऑप्शन है ए इस प्राइमरी टू प्रोटेक्ट द सर्विस ब्रेक फ्रॉम एक्सेस हीट एंड सेव वेयर, ऑप्शन बी कैन इंस्टॉल द इंजन इफ द स्पेसिफाइड इंजन स्पीड इज नॉट मेंटेन, ऑप्शन सी इज द प्रीफर्ड मीन्स ऑफ स्पीड कंट्रोल व्हेन ट्रेवलिंग डाउन ग्रेड्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों जो एग्जॉस्ट रिटार्डर का काम होता है वो ऑप्शन ए बी सी तीनों तरह का काम करता है, इसलिए उसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर सेवन है दोस्तों, व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ रूफ इन केस ऑफ फ्लैट रूफ रेस्ट शेल्टर।
आपका ऑप्शन है ए 2.5 मीटर्स, ऑप्शन बी 3 मीटर्स, ऑप्शन सी 1.8 मीटर्स, ऑप्शन डी 3.5 मीटर्स। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 2.5 मीटर्स। दोस्तों जो रेस्ट शेल्टर का जो रूफ का मिनिमम हाइट होना चाहिए वो 2.5 मीटर्स होना चाहिए, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2.5 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द काउजेज ऑफ स्लोप फेलियर। दोस्तों ये भी एक ओपन कास्ट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का कहना है कि स्लोप फेलियर जो होता है ओपन कास्ट में वो किस कारण होता है। आइए जानते हैं क्या क्या कंडीशन दिया हुआ है। पहला है दोस्तों जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर टेक्सचर के कारण, ऑप्शन बी एनोमाइज लाइक डाइज फोल्ट होल्स एक्सेट्रा, ऑप्शन सी डायनामाइक लोडिंग, ऑप्शन डी फिशेस एंड ज्वाइंट। दोस्तों किस कारण होता है, आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है EFGH। तो दोस्तों स्लोप फेलियर में जो है ये सब कारण के कारण होता है स्लोप फेलियर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई ABCD आर करेक्ट। जो भी दिया हो दोस्तों जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर डाइस फोल्ट फोल्ड्स डायनामिक लोडिंग फीसेस एंड ज्वाइंट के कारण स्लोप फेलियर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, नो ड्रिल सेल बी यूज्ड फॉर बोरिंग अ शॉर्ट होल्स अनलेस इट अलाउस अ क्लीयरेंस ऑफ एटलीस्ट डैश ओवर द डायमीटर ऑफ द कार्टिज ऑफ एक्सप्लोसिव विच इट इज इंटेंडेड टू यूज। ऑप्शन है आपका ऑप्शन है 2 mm, ऑप्शन बी 2.5 mm, ऑप्शन सी 4 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 3 मिलीमीटर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 मिलीमीटर। दोस्तों इस क्वेश्चन का कहना है कि एटलीस्ट 3 मिलीमीटर होना चाहिए डायमीटर शॉर्ट होल का फॉर द एक्शन ऑफ कार्टेज एक्सप्लोसिव यूज़ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, माइनर इंजरी सेल बी रिकॉर्डेड इन द फॉर्म डैश एंड रिपोर्ट सेल बी सेंट टू रीजनल इंस्पेक्टर वंस इन। आपका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए जे वंस इन अ क्वार्टर, ऑप्शन बी के वंस इन अ ईयर, ऑप्शन सी जे वंस इन अ ईयर, ऑप्शन डी के वंस इन अ क्वार्टर। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी के। के फॉर्म में दोस्तों रिकॉर्ड होता है माइनर इंजरीज और इसको रीजनल इंस्पेक्टर को भेजना रहता है विद इन 1 ईयर के अंदर में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी के वंस इन अ ईयर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, व्हाट आर द अनसेफ वर्किंग कंडीशन एट माइंस चूज फ्रॉम द फ्लोइंग। ऑप्शन है आपका डिफेक्टिव टूल और इक्विपमेंट, ऑप्शन बी कॉन्सेंट्रेशन इन द वर्क प्लेस, ऑप्शन सी नैरो रोड्स, ऑप्शन डी इम्प्रॉपर मेथड ऑफ वर्किंग, ऑप्शन ई पुअर हाउसकीपिंग, ऑप्शन एफ ऑल आर द करेक्ट। दोस्तों बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अनसेफ वर्किंग कंडीशन माइंस का जो होता है इन सब दोस्तों कारण है ABCDE, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन एफ ऑल आर द करेक्ट। बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, अ व्हीकल ट्रांसपोर्टिंग एक्सप्लोसिव शैल नॉट बी ड्राइवन एट स्पीड एक्सीडिंग डैश KMPH। दोस्तों जो एक्सप्लोसिव बहन होता है वो कितना स्पीड तक रहता है उससे ज़्यादा स्पीड नहीं चला सकता है ड्राइवर। आपका ऑप्शन है ए 25 KMPH, ऑप्शन बी 20 KMPH, ऑप्शन सी 15 KMPH, ऑप्शन डी 30 KMPH। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 25 KMPH से ज़्यादा एक्सप्लोसिव वैन का व्हीकल स्पीड नहीं होना चाहिए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, प्रोक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस इज टू बी फिटेड फॉर एस एन एडिशनल सेफ्टी फीचर। दोस्तों जो प्रोक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस है वो कहाँ पर फिट होती है जो कि एक एडिशनल सेफ्टी फीचर होता है? आपका ऑप्शन है ए एक्सेलेरेटर, ऑप्शन बी वाटर टैंकर, ऑप्शन सी ड्रिलिंग इक्विपमेंट, ऑप्शन डी डंपर ट्रिपर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डंपर ट्रिपर। ध्यान से देख ले दोस्तों इस क्वेश्चन को, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट काउजिंग डेथ और सीरियस बॉडी इंजरी इन कनेक्शन विथ माइनिंग ऑपरेशन इन फोरम 4 ए सेल बी सेंड टू रीजनल इंस्पेक्टर विद इन आवर। ऑप्शन है आपके 24 आवर, ऑप्शन बी 48 आवर, ऑप्शन सी 72 आवर, ऑप्शन डी 12 आवर। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट करके जरूर दें, क्वेश्चन नंबर लिखे और कमेंट करके इसका जवाब जरूर दें। अगर इसका आंसर दोस्तों जानना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर वहां से इसका आंसर देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट द सेफ्टी फीचर ऑफ बेल्ट कन्वेयर। दोस्तों इनमें से कौन सा सेफ्टी फीचर नहीं है बेल्ट कन्वेयर का? ऑप्शन है आपका लिमिट स्विच, ऑप्शन बी पुल कोड स्विच, ऑप्शन सी होल्ड बैक, ऑप्शन डी वल्कलाइजिंग डिवाइस। दोस्तों जल्दी से आप इसका जवाब दें, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी वल्कलाइजिंग डिवाइस जो है दोस्तों वो बेल्ट कन्वेयर का सेफ्टी फीचर्स नहीं गिनते हैं हम लोग। आई होप दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को, ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, इसलिए इस क्वेश्चन को आप नोट कर ले, याद कर ले, आपको हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा बेल्ट कन्वेयर से रिलेटेड, तो यही क्वेश्चन आएगा दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 है, एस पर डीजेएमएस सर्कुलर नंबर 36/1972 दी फाइंड दी मिनिमम विड्थ ऑफ दी बेंचेस विद दी फ्लोइंग डाटा। दोस्तों एक डाटा दिया है और आपका ऑप्शन है 7.5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 5.5 मीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 7.5 मीटर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को बढ़िया सा पढ़ ले, कुछ डाटा दिया हुआ है तो आप इसे क्वेश्चन को पढ़ ले, नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करें, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इस क्वेश्चन को बढ़िया से देख ले दोस्तों, इसका आंसर होगा 7.5 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप के भी क्वेश्चन कभी कभी एग्ज़ाम में आता नहीं है लेकिन आ सकता है, उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है नहीं। क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों, रिगार्डिंग द ग्राउंड वाइब्रेशन द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ग्राउंड वाइब्रेशन के लिए दोस्तों कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपका ऑप्शन है ए द लोअर द फ्रीक्वेंसी हायर द ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी द हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी द फ्रीक्वेंसी एंड ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आप बढ़िया से करके जाए, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए द लोअर द फ्रीक्वेंसी। दोस्तों अगर फ्रीक्वेंसी लोअर होगा तो दोस्तों हायर द ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, जो वाइब्रेशन होगा दोस्तों वो ज़्यादा होगा, हायर होगा। इसी क्वेश्चन में दोस्तों ये ए जो है ट्रू स्टेटमेंट हो जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आप बढ़िया से कर लेना, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74 है दोस्तों, इफ द डेप्थ ऑफ पिट रिचेस मीटर द साइंटिफिक स्टडी ऑन स्लोप स्टेबिलिटी विल बी डन बाय साइंटिफिक एजेंसी। आपका ऑप्शन है दोस्तों ए 60 मीटर, ऑप्शन बी 75 मीटर, ऑप्शन सी 50 मीटर, ऑप्शन डी 100 मीटर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 60 मीटर। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो डेप्थ होगा पिट का वो कितना मीटर तक हो सकता है स्लोप स्टेबिलिटी करने के लिए, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 60 मीटर। दोस्तों एक आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 दोस्तों, इस क्वेश्चन में है द फॉर्म विच सेल बी रिपोर्टेड बाई वर्कमैन इंस्पेक्टर। दोस्तों जो वर्कमैन इंस्पेक्टर होता है वो किस टाइप के फॉर्म को रिपोर्टेड करता है? आपका ऑप्शन है ए फॉरम टी, ऑप्शन बी फॉरम आर, ऑप्शन सी फॉरम एस, ऑप्शन डी फॉरम यू। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका आंसर। वैसे दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी फॉरम यू। तो
ये है दोस्तों वीडियो का अंत। अगर आपको दोस्तों ये सब वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके लिए हम और भी इसी तरह शानदार वीडियो बनाते रहें। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो टिल देन दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।